ये भी कॉफी कैसी है? ठीक है, लेकिन जब तुम कॉफी दिया करो ना तो साथ में कुछ दिया करो ना, कुकी, मफिन या ब्राउनी। ऐसे अकेले कॉफी पीने में मजा नहीं आता है। कॉफी शॉप में बैठी हुई हैं। आज मम्मी से बात हुई थी। हैं? आ रही है क्या? घबराओ मत, आ नहीं रही है, जा रही है, गोवा जा रही है। She loves beaches, you know. सासू माँ बड़ी एक्टिव हो रखी है। इसमें तकलीफ है ना? करे हम क्या करे लड्डू के भैया, पर तो हमने रोमांस का भी कोनो असर ना हो रहा है। भाभी जी आप रो रही हैं? अरे अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। अरे अंगूरी जी आप ये रो क्यों रही हैं? अरे हेलो बोल रही हैं यार। अरे एक मिनट सुन लिया, वो रो रही हैं। एक सेकंड, मैं बोलता हेलो उनकी तरफ से, अब बोलिए। अब बोल लूं? हाँ बोलिए बोलिए। अंगूरी जी क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? लड्डू के भैया की वजह से। कसम से दिल करता है शादी का, मैं गिच्ची घोड़ दूं। बाय गॉड। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। उस आदमी ने इस औरत की जिंदगी खराब कर दी, सत्यानाश कर दिया इनका करियर, यू नो। ओफो, क्यों मयान से इतनी बाहर जा रहे हो? पहले बताने तो दो उनको हुआ क्या है। अंगूरी जी क्या हुआ, कहीं तिवारी जी से झगड़ा हो गया आपका? नहीं झगड़ा नहीं हुआ है, कब हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तक उनकी कब्जियत बरकरार है? अभी तक उनको राहत नहीं मिली है? नहीं बिल्कुल नहीं। और कितने सारे उपाय कर लिए लेकिन फाटक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाभी जी लड्डू के भैया की प्रॉब्लम का मेरे पास एक अचूक इलाज है। तो बताइए ना। देखिए क्या करिए कि उनके खंबे से आप रस्सी से, मुड़ी रस्सी से कस के बांधिए, और खास तौर से पेट का एरिया जो है, और जोर से बांधिए, फिर देखिए आधे घंटे में मजा आ जाएगा। बाय गॉड। किसको? लड्डू के भैया को, ऑफ कोर्स। कितना बकवास आइडिया है विभू, कितना बकवास आइडिया है। अरे अगर पेट को रस्सी से इतना टाइटली बांधेंगे तो सारे ऑर्गन्स दब नहीं जाएंगे? कुछ भी बोलते हो आप। एक काम कीजिए अंगूरी जी, आप ना तिवारी जी से कहिए कि वो शीर्षासन करें, इससे ना उनको बहुत फायदा होगा। Are you mad? इससे तो मामला उल्टा हो जाएगा यार। क्या उल्टा हो जाएगा? जो चीज देखो, जिस चीज का रास्ता जहां से है वो कहीं और रास्ते से निकलेगी ना फिर। वो तुम कैसी वायाद बातें करते हो। मैं लॉजिक बात कर रहा हूँ यार, बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखिए अगर आप एक पाइप में पानी भरेंगे और पाइप को ऐसे टिल्ट करेंगे तो पानी ऐसे निकलेगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे निकलेगा। सो सिंपल इज दैट। तिवारी जी अब पाइप। भाभी जी मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, आप तिवारी जी को पेट के बल लटाइए, पेट के बल, और उनके ऊपर खूब जोर जोर से कूदिए, फिर देखिए आधे घंटे में मजा आ जाएगा। बाय गॉड। यहाँ तिवारी जी की कब्जियत पर ओपन डिस्कशन हो रही है, इट्स कॉल्ड कॉफी विद कब्ज। एक बात बताएं भैया विभूति, जो छतरी कब्ज ठीक करने को एक ही फॉर्मूला हमें मालूम है, वही सही लगता है हमें। अरे बताइए ना क्या फॉर्मूला है भाई। मालूम पड़े? हाँ था, प्लीज इरशाद इरशाद, मतलब बोलिए बोलिए। यार कब आओ, एक बार हमारी थानी में सारो बहुत ही बदमाश बड़ो सारो गुंडा आओ, बाको हमने रस्सी से बांध के उल्टो लटका के ऐसे डंडा पेले, और जैसे ही सारे वो नीचे गिराओ हमने थैंक यू करके पावन में लौट गऊ। कहने लगो दरोगा जी हमारी सालन पुरानी कब जाती ससुर, ऐसे आपने लटका वो मैं ठीक हो गई 2 मिनट में, और उल्टू ने छावर अलग से देखो सारू। हमें लगता है भाई ये तिवारी के संग में भी ऐसे ही करने पड़ोगे। एग्जैक्टली यही ट्रीटमेंट देना चाहिए तिवारी जी को, ये देखिए सही फॉर्मूला। अरे यार इन कमबख्तों ने तो हमारी कब्ज का तमाशा बना के रख दिया है, अगर यही हाल रहा तो पूरे कानपुर में हमारे कब्ज किससे छिड़ जाएंगे। नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम कल ही सबको बता देंगे कि हमारा कब्ज ठीक हो गया है, सबको बता देंगे। क्या खा रहे हो सुबह सुबह? बनाना चिप्स। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मत खाया करो बनाना चिप्स,
ज्यादा बनाना चिप्स खाओगे तो तिवारी जी की तरह तुम्हारी भी हालत हो जाएगी। तुम्हारी तो कॉन्स्टिपेशन होती है। ऑफ कोर्स। तुम्हें तिवारी जी खाते दिखे नहीं मुझे बनाना चिप्स। मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि बनाना चिप्स खाने की वजह से तिवारी जी को कॉन्स्टिपेशन हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिपेशन होने का एक रीजन बनाना चिप्स भी होता है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन से ज्यादा है। तिवारी जी की क्या पोजीशन है अभी? बस कोई काम धंधा नहीं है, मैं तिवारी जी की पोजीशन ही देखती रहूंगी। ना पता नहीं, वॉक पे तो नहीं आए थे। बड़ा परेशान हूँ मैं यार, I'm really concerned about him. देखो, तुम बहुत मजाक उड़ाते हो तिवारी जी का। मैं क्या मजाक उड़ाता हूँ? हालात ने मजाक उड़ाया, वक्त ने मजाक उड़ाया उनके साथ, मैं तो कुछ नहीं करता। बनो मत, सब दिख रहा है। चलिए लड्डू के भैया आइए। अनीता जी लीजिए मिठाई, खाइए जाइए ना लीजिए। अरे सुबह सुबह मिठाई। हाँ लीजिए लीजिए भरमुनी जी। अब माँ बनने वाली है? नहीं नहीं, लड्डू के भैया का बंद फाटक खुल गया। Oh, that's a good news. Wow, इतनी बड़ी खबर तिवारी जी, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे तिवारी जी आप तो बहुत रिलीव्ड हो गए होंगे, नहीं? आपके चेहरे पे कुछ खुशी के एक्सप्रेशन नहीं आ रहे। भाभी जी बस आज सुबह ही गरज के साथ छींटे पड़े हैं। बड़ी बड़ी खुशी का बायस है, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा। आपने कुछ तो किया होगा तिवारी जी। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया, क्या करना है, कुछ नहीं। मैं नहीं मानता, कुछ तो किया होगा आपने। I refuse to believe it. कुछ भी नहीं किया, सच कह रहे। मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ, आपने कुछ तो किया होगा। गिव मी डिटेल्स, डिटेल्स दीजिए आप। डिटेल्स कैसी बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? डिटेल्स मांगोगे, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, हद करते हो। देखिए ना भाभी जी, ने खुशी नहीं है कि हम ठीक हो गए। अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे बड़ी खुशी हुई है, लेकिन आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं? रात अभी बाकी है, कसक अभी बाकी है। हुई नहीं तिवारी जी, शुरुआत तो हुई, कसक भी पूरी हो जाएगी। अबे यार, ये डॉक्टर कमबख्त अभी तक नहीं आया, एक घंटे से वेट कर रहे हैं, पेट का बुरा हाल है। और भाभी जी से वैसे ही झूठ बोल दिए कि हमारा पेट साफ हो गया है। अब वो शाम को आएंगी, उन्हें पता चलेगा कि हमारा मामला तो ज्यों का त्यों है, तो भाभी जी की नजरों में हमारी किरकिरी हो जाएगी। अरे सॉरी सॉरी। क्या हुआ भैया? दरअसल आज शमशान में पूजा थी ना, तो बस पूजा समाप्त करते करते थोड़ा सा विलंब हो गया, माफी चाहूंगा। यार आप एक बात तय कर लीजिए कि आप डॉक्टर हैं या तांत्रिक। मैं तो तांत्रिक ही हूँ, डॉक्टर तो आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे बना रखा है। लेकिन आपने मुझे डिस्पेंसरी छोड़ के यहाँ पर क्यों बुलाया है? वो क्या है ना कि हमारे पेट में बहुत जबरदस्त कब्ज हो गई है और पेट का बहुत बुरा हाल है। क्या है भैया, ये कब्ज की बीमारी होती बड़ी खराब है। अरे बड़ा बुरा हाल हो जाता है, कभी कभी तो मुझे खुद हो जाती है। तो आप क्या करते हैं इसके लिए? क्या है कि एक कब्ज निवारक पूजा है जो रात को 12 बजे शमशान में निवस्त्र होकर करनी पड़ती है, बस मैं वही कर लेता हूँ और मुझे आराम मिल जाता है। यार ये प्रपंच हमें नहीं करने हैं, हमें तो कब्ज दूर करने की दवा दीजिए जल्दी। दवा भी है, ये दवा आप रखो है ना, सुबह दोपहर शाम कच्चे दूध के साथ आप ले लेना, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इसका। जैसा कहेंगे, जिसके साथ कहेंगे उसके साथ ले लेंगे, बस कब्ज ठीक होना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, वरना क्या है ना कि हमारा कचरा हो जाएगा। जाइए। पैसे। तो मेरा शक सही निकला, तिवारी जी इज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। तिवारी जी ने मुझसे और अनुज से झूठ बोला। नो प्रॉब्लम तिवारी जी, आज रात को मैं आपके कब्ज का भांडा फोड़ूंगा अनु और भाभी जी के सामने। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।